नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, देवराह बाबा और नीमकौली बाबा आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप आगे वीडियो में सुनेंगे तो आप जानेंगे कि देवराह बाबा और हमारे पूज्य बाबा नीमकौली महाराज के विचार आपस में मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देवराह बाबा परम राम भक्त थे। इनके मुख में सदा ही राम नाम का वास था। वे हमेशा भक्तों को राम जी से जुड़ने के लिए मंत्र दिया करते थे। बाबा कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम हित उर्पे, मारो ब्रह्मादि के संशय न जानो। देवराह बाबा जनसेवा तथा गौसेवा को सर्वोत्तम धर्म मानते थे तथा अपने प्रत्येक भक्त को गरीब और असहाय की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देते थे। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता और सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का संकल्प लो। बाबा प्रायः गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर ही साधना किया करते थे और अपने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को वे सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते थे कि इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। वे कहते हैं कि ये देवभूमि है, इसकी सेवा रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। क्या आपको पता है आम आदमी में और विशेष पुरुषों में क्या अंतर होता है? आम आदमी सिर्फ कर्म में ही विश्वास रखते हैं और इसी कारण वे प्रकृति के तापों से नहीं बच पाते। उन्हें रोग घेर लेते हैं, उन्हें दुख घेर लेता है और किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से खुद को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। जबकि महान पुरुष इन सारी चीज़ों में बहुत ऊपर उठे होते हैं, प्रकृति पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है, उनके आसपास हो रही घटनाएं उनकी इच्छा के विपरीत नहीं होती। यही अंतर है एक आम पुरुष में और इन महान महापुरुषों में। महर्षि योगी दिव्य संत ब्रह्मकालीन देवराह बाबा को शरीर छोड़े आज 33 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें आज भी भक्तों में सच साबित हो रही हैं। सामान्य श्रेणी के भक्तों से लेकर ओहदे वाले भक्तों तक उनका सदैव एक समान परस्पर आशीर्वाद रहता है। वे अपना पैर भक्तों के सिर पर रखकर ही आशीर्वाद देते थे और सभी को बतासे वाला प्रसाद देते थे। तो देवराह बाबा और पूज्य बाबा नीमकौली महाराज के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, आपको जरूर इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय सियाराम।